नमस्ते, साइनवे के वीडियो लर्निंग सेशन में आपका स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं साइनवे के सॉफ्टवेयर टैक्सबेस या टैक्सबेस लाइन सॉफ्टवेयर में जो न्यू फीचर्स इनकॉर्पोरेट किया है न्यू रिज्यूमे फॉर AY 2021-22 उसके बारे में। सो ये दिखाने के लिए मैं ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में लॉग इन हो चुका हूँ। मेरा SSC जो है उसे मैंने सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ आपको उसका असेसमेंट ईयर जो है सिलेक्ट करना है 2021-22। सो यहाँ मैं सिलेक्ट करता हूँ 2021-22। फिर यहाँ मैंने क्लोज किया। फिर आपको आना है मास्टर डेटा में, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन में। स्टैटिक इन्फॉर्मेशन में एडिट करके आप यहाँ देख सकते हो न्यू ऑप्शन और किया है न्यू रिज्यूमे अंडर सेक्शन 115 BAC। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर आपने क्लिक किया तो आपका इस पर्टिकुलर SSC का रिटर्न जो है न्यू रिज्यूम के हिसाब से फाइल होगा। फिर इसे आपको क्लिक करके सेव करना है। यस, ओके, क्लोज। फिर आपको आना है इनकम टैक्स में, इनकम डिटेल्स पे। उसकी जो इनकम डिटेल्स है आपको एज यूजुअल आप जैसे नॉर्मली एंटर करते हो उस तरीके से एंटर करना है। आपको यहाँ दिखाने के लिए मैंने सैलरी की एंट्री की है। तो सैलरी की एंट्री में यहाँ आप देख सकते हो कि मैंने बेसिक और DA एंटर किया है। फिर मैंने अलाउंसेस जो रिसीव्ड है वो एंटर किया है। अलाउंसेस एग्जाम अंडर सेक्शन 10 में चिल्ड्रन एजुकेशन जो है एग्जाम किया है। आप यहाँ देख सकते हो कि आपका जो स्टैंडर्ड डिडक्शंस है या आपका जो टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट है इसका जो आपको एग्जम्पशंस मिलता है या डिडक्शंस जो होता है वो यहाँ आपको न्यू रिज्यूम के हिसाब से अलाउ नहीं होता है। फिर यहाँ मैंने सेव किया, क्लोज किया। आपका जो PF एंटर किया था वो आपका चैप्टर 6 से 80C के अंडर डिस्प्ले नहीं हुआ है। अब आपको सेम असेसमेंट ईयर का दूसरे SSC का मैं विदाउट न्यू रिज्यूम सेम इनकम डिटेल्स एंटर करके दिखाता हूँ कि टैक्स कैलकुलेशन में कितना डिफरेंस आता है। सो यहाँ देख लीजिए, आपको न्यू रिज्यूम के हिसाब से इस पर्टिकुलर SSC को टैक्स पेएबल आ गया है 25,060 रुपीज़। इसे अब मैंने क्लोज कर दिया, नो। सो अब मैं दूसरा SSC चूज़ करता हूँ जिसका रिटर्न मैं विदाउट न्यू रिज्यूम जो है फाइल कर रहा हूँ। सो यहाँ देखिए मैंने टिक नहीं किया है। फिर मैंने इसे सेव किया, क्लोज। फिर सेम सैलरी डिटेल्स जो है मैंने यहाँ इसके अगेंस्ट भी एंटर किया है। देखिए बेसिक DA, अलाउंसेस, एग्जम्पशन, यहाँ उसका स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है आपको एप्लीकेबल हो गया। फिर उसका जो भी टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट होता है वो एंटर किया। उसका जो प्रोविडेंट फंड है वो डिटेल्स एंटर किया, सेव किया, क्लोज किया। सो यहाँ आप देख सकते हो आपका जो चैप्टर 6 ए का जो डिडक्शन PF का वो यहाँ डिस्प्ले हुआ है। सेव, क्लोज। और इस पर्टिकुलर SSC को विदाउट न्यू रिज्यूम जो है सेम इनकम डिटेल के हिसाब से टैक्स पेमेंट जो है वो आ रहा है 32,710 रुपीज़। सो इस तरीके से आपको 2021-22 का रिटर्न फाइल करते वक्त ही चूज़ करना होगा कि आपको न्यू रिज्यूम के हिसाब से इस पर्टिकुलर SSC का रिटर्न फाइल करना है या ओल्ड रिज्यूम से उसका रिटर्न फाइल करना है। इस वीडियो में इतना ही। नए वीडियो में न्यू फीचर्स के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।